नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गांव के ग्रोथ सेंटरों को 143 करोड़ से किया जाएगा हाईटेक, ग्रामीण व्यापार को मिलेगी गति। प्रदेश के कई निगमों को वेतन के लाले, जानिए पीएम की कौन सी बात कर रहे हैं अफसर बेअसर। दिखाएंगे नैनीताल में किन कांग्रेस नेताओं ने नैनीताल एडीएम को किया बेइज्जत, टीएम को भी नहीं बख्शा। ट्रेन पर सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर, दिखाएंगे कैसे बदलेगा रेलवे का और स्वरूप। उत्तराखंड में बॉक्सिंग एसोसिएशन को मिले 8 रेफरी और जज, 97% अंक पाकर डॉक्टर भुवन तिवारी बने टॉपर। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने क्यों किया श्रीलंका यूनिवर्सिटी से करार, देखिए। कोरोना वॉरियर पर आया सेवा का संकट, देखिए मुख्यमंत्री से क्या रखी उन्होंने मांग। खबरों की शुरुआत करते हैं ग्रोथ सेंटर को हाईटेक बनाने से। सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश की 7,791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों के कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 143.50 करोड़ की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण कर दिया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि न्याय पंचायतों पर भी जो भी ग्रोथ सेंटर बने उनकी अपनी अलग पहचान हो, प्रत्येक ग्रोथ सेंटर के उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग हो। सीएम ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों में जो भी कार्य हो उनकी जियो टैगिंग और जीआईएस मैपिंग की जाए। पंचायतों के कार्यों में मानकों एवं डिजाइन के विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि का सही उपयोग हो। निदेशक पंचायती राज एससी सेम्बाल ने बताया सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनी कार्ययोजना ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य है। अगली महत्वपूर्ण खबर, कर्मचारियों की रोजी रोटी के संकट की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में किसी को सैलरी का संकट ना हो इस बात का ऐलान किया था, लेकिन उत्तराखंड में पीएम के इस ऐलान का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर निगम मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 3 महीने से सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें परिवहन निगम के 6,500 कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग के 70 कर्मचारी और महिला बाल विकास विभाग के 181 सेंटर में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं। हालात इस हद तक खराब हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने FD तोड़कर कर्मचारियों को वेतन बांट रहा है। सैलरी संकट के चलते यहां SKP कॉलेज के शिक्षक कार्य बहिष्कार पर जाने की बात कर रहे हैं। वहीं रोडवेज के कर्मचारी बेड़े में शामिल हुई नई बसों को ही सरेंडर करने की तैयारी में हैं। कर्मचारी यूनियन के महामंत्री का कहना है कि निगम में सालों से सैलरी का रोना जारी है, रिटायर हो जाने के बाद भी कर्मचारी को ग्रेचुटी की रकम के लिए जूझना पड़ता है। मामले में वित्त सचिव अमित नेगी ने विभागों को पैसा भेजने की बात कही है। उनकी माने तो कर्मचारियों को जल्द सैलरी मिल जाएगी, लेकिन इस बात को लेकर अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पोल खुल गई है। खबर अफसर और नेताओं की तनातनी की। उत्तराखंड में नौकरशाही बेलगाम नजर आ रही है, इसके लिए उदाहरण आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस नेताओं का। आज हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब जिलाधिकारी नैनीताल सबिन बंसल को सुशीला तिवारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश के बेटे एवं पूर्व मंडी समिति के चेयरमैन सुमित हृदेश पहुंचे। डीएम के नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता सुमित हृदेश और कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलोटिया एकदम भड़क गए। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ एडीएम को खरी खोटी सुनाई बल्कि वहां धरने पर भी बैठ गए। एडीएम को कहा आपको पूरी तनख्वाह मिल रही है लेकिन गरीबों का क्या हाल हो रहा है, पूरा वीडियो देखिए। आप आ जाइए फिर हमें मिलने नहीं दे रहे, बताइए। डीएम तो बहुत सारे आए, ऐसा थोड़ा ना, विपक्ष में भी जब हम रहे तब भी आए, जब हम सत्ता पक्ष में रहे तब भी आए, हमेशा सबसे मिलते हैं। कमिश्नर साहब यहाँ कोरोना नाम से लोगों को इतना डर पैदा कर दिया है जैसे पूरे देश का आदमी जो है अपराधी हो गया है। आपके लिए कोई नियम नहीं है, आम जनता के प्रताड़ना के लिए पूरे नियम है। आपको तो तनख्वाह पूरी मिल जा रही है अपने महीने के महीने। एक गरीब आदमी अपने घर की रोटी कैसे चलाता होगा, कैसे चूल्हा चलाता होगा, उसकी कोई किसी को चिंता नहीं है। थोड़ा सा दर्द सुनने के लिए, दर्द सुनने के लिए वो आ जाए यहाँ पे 2 मिनट के लिए तो सबको अच्छा लगेगा, लगेगा कि भाई प्रतिनिधि हमारा सही है। कैसे जनता विश्वास करे कि हमारा जो लोग यहाँ बैठे हैं
जिलाधिकारी किस लिए? पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सेवा के लिए। पब्लिक को कैसे विश्वास है कि भैया जिलाधिकारी हमारी समस्या सुनेंगे? दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर रेलवे के हाईटेक होने की। भारतीय रेलवे को रेल बोर्ड जल्द आधुनिक और डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। इसमें सैटेलाइट से ट्रेनों पर नज़र रखने के साथ QR कोड से यात्री टिकट चेक किए जाएंगे। लोको से लेकर निविदा और प्रबंधन सभी कामों को डिजिटल तरीके से किया जाएगा। दिसंबर 2021 तक सभी ट्रेनें GPS पर आ जाएंगी। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने भारतीय रेल के डिजिटलीकरण को साझा करते हुए बताया कि रेलवे में यात्री सेवाओं, माल की ढुलाई समेत संचालन व प्रबंधन की सभी कामों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट के जरिए ट्रेन की ट्रैकिंग की जा रही है। 2700 विद्युत और 3800 डीजल इंजन को GPS से लैस किया जा चुका है। दिसंबर 2021 तक बाकी 6000 इंजनों में भी GPS लगा दिया जाएगा। इस काम में इसरो के 2 सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। अब खबर बॉक्सिंग में रेफरी और जज की परीक्षा की। राज्य स्तरीय रेफरी और जज की परीक्षा में 8 लोगों ने परीक्षा पास की है। पिछले वर्ष नवंबर में बॉक्सिंग एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा राज्य बॉक्सिंग को सही निर्देशन और खिलाड़ियों को सही नियमों की जानकारी के साथ प्रशिक्षण करने के लिए राज्य स्तरीय रेफरी एवं जज की परीक्षा का आयोजन हुआ था। इस परीक्षा में राज्य के 8 रेफरी ने पास किया है। परीक्षा पास करने वालों में डॉक्टर भुवन तिवारी, पुष्पा धर्मवाल, प्रकाश शर्मा, रजवंत कौर, विमला रावत, कुलदीप आगड़ी, भगवत रावत, भूपेश भट्ट शामिल हैं। डॉक्टर भुवन तिवारी 97 अंक लाकर सबसे टॉप पर रहे हैं। राज्य स्तरीय परीक्षा पास करने वाले रेफरी भविष्य में भारतीय बॉक्सिंग संघ की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रेफरी और जज के रूप में प्रतिभाग करने के लिए स्टार 1 की परीक्षा देने के लिए पात्रता प्राप्त कर ली है। इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के आजीवन अध्यक्ष मुखर्जी निर्वाण, संयुक्त निदेशक खेल डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट, महासचिव उत्तराखंड बॉक्सिंग गोपाल खोलिया ने सभी को बधाई दी है। अगली महत्वपूर्ण खबर ओपन यूनिवर्सिटी से है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी और श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी नवाला नुगेगौंडा श्रीलंका के बीच शिक्षक सहभागिता को लेकर MOU हस्ताक्षर किया गया है। इस दौरान श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव भरत सिंह उपस्थित रहे। UOU के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय MOU दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सहभागिता के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत अकादमिक, शैक्षणिक, शोध गतिविधियों का आदान प्रदान होगा तथा फैकल्टी के आदान प्रदान के साथ साथ संयुक्त शोधकार गोष्ठियों, कार्यशालाओं में सहभागिता होगी। इसके अलावा शैक्षिक विकास के सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक सहभागिता भी होगी। खबर कोरोना वॉरियर्स की मांगों की। उत्तराचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संदर्भ में बैठक की है। इस दौरान प्रदेश को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई मुद्दों पर बात हुई। कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सफाई कर्मचारियों की मांगों की सूची भेजी है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे में प्रदेश भर में 20,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, 10,000 की आबादी पर 28 से बढ़ाकर 50 कर्मचारियों की तैनाती, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, मृतक आश्रितों को नौकरी का लाभ, सफाई भत्ता 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने, स्वच्छता समिति कर्मियों को संविदा के तहत नियुक्ति देने, स्वच्छकारों को आवास का मालिकाना हक देने जैसी मांगे शामिल हैं। खबर चारधाम यात्रा से जुड़े फूलों के कारोबारियों की। कोरोना के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन ग्रामीणों को इस यात्रा के शुरू होने के बावजूद खासा नुकसान हो रहा है। कोरोना की वजह से बद्रीनाथ धाम में इन दिनों दर्शन के वक्त प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रसाद में बिकने वाली तुलसी माला भी बाबा बद्री तक नहीं पहुंच पा रही, जिस कारण तुलसी माला आजीविका से जुड़े ग्रामीणों पर भारी संकट खड़ा हो गया है। माला बनाने के इस कारोबार से आसपास के गांवों की 1500 महिलाएं और पुरुषों की रोजी रोटी चौपट होने की कगार पर है। यही वजह है कि यात्रा सीजन में तुलसी माला बेचकर 20 लाख तक का कारोबार करने वाले पंडुकेश्वर समेत आसपास के गांव की महिलाएं मंदिर खुलने के बाद भी मायूस है। स्थिति यह है कि मालाएं उपलब्ध होने के बावजूद कोरोना संक्रमण के भय से कोई उन्हें खरीदने को
तैयार नहीं है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।